राधे कृष्णा, जय हिंद, जय भारत। तो भाई, आज मैं बनाने जा रहा हूँ पत्ता गोभी की सब्जी सूखी। ओके, पत्ता गोभी की सब्जी और रोटी चावल। तो मैं सिर्फ पत्ता गोभी की सब्जी बताऊँगा कैसे बनती कैसे नहीं। मतलब बहुत आसान है, कोई मतलब कि ज़्यादा कठिन नहीं है, कि आप ज़्यादा समय नहीं लगता है। हाँ, बनने में थोड़ा समय लग सकता है, पकने में, बाकी उसे ज़्यादा समय नहीं लगता भाई, काटने पीटने में। तो रेडी करें फिर। ओके, चलते हैं फिर भाई। तो मैंने गैस चालू कर दिया, अब कढ़िया में डालेंगे हम तेल। ओके, तेल हम डालते हैं भाई, एक ही खाते हैं, सरसों का ऑयल। ढक्कन हमने खोल दिया पहले से, सरसों का तेल भाई खाते हैं बस। थोड़ा सा तेल डालना, ज्यादा नहीं, और हमसे तेल यार कुछ ज्यादा ही हो जाता है हमसे ज्यादा। वैसे तो हमारे घर वाले तेल कम ही खाते हैं, इतना बहुत है। तो भाई, यह है पत्ता गोभी। ओके, मैंने इसको काट के फिर धुल लिया है, काट के धुल लिया है। और यह है आलू, काट के धुलकर, मतलब छील कर धुल, काट के और धुल दिया है। ये है मटर, फ्रीजर वाला मटर है, उसको मैंने धुलकर और थोड़ा पानी में डाल दिया है नॉर्मल होने के लिए। ये टमाटर है, धुलकर और काट दिया है। टमाटर हमने लिए हैं 3 से 4, मटर ली है 1 कटोरी छोटी वाली, आलू लिए हैं 3 से 4 छोटे छोटे, ज़्यादा बड़े में पत्ता गोभी 1 लिया आधा किलो का। और ये खड़े मसाले हैं, जो मैं ज़्यादा कुछ डालता नहीं हूँ, बस सिर्फ डालूँगा काली मिर्च और कुछ नहीं डालूँगा। ये 2 तेज पत्ता है, ये डाल देंगे। और ये 1 मिर्चा ये कटा रखा हुआ है छोटा सा, और ये 1 फटा हुआ, मतलब बीच से फटा है। बाकी जीरा, लाल मिर्चा, धनिया, हल्दी, नमक, कस्तूरी मेथी, गरम मसाला, ये आइटम डालेंगे थोड़ा थोड़ा। हम अभी बताएंगे कितना डालना है। और ये हींग, ये प्याज है, प्याज 3 आड़ी है, ज़्यादा नहीं है, छोटी छोटी मीडियम साइज 3 आड़ी है, पीस लिया। और लहसुन आधा, अदरक लहसुन का पेस्ट हो या ऐसे ही हो चल जाएगा, जो भी हो चल जाएगा। तो इतना आइटम भाई पड़ता है। कढ़िया मेरी हो चुकी है, धीमी कर दी गैस। अब इसमें हम डालेंगे पहले लाल काली मिर्च। तो मैंने इसमें थोड़ी सी काली मिर्च डाल दी है, आधा चम्मच। इसके बाद डालेंगे थोड़ा सा जीरा, आधा चम्मच। हमको अंदाजा है इसलिए हम हाथ से डाल ले भाई, और तुम लोग, आप लोग चम्मच से डालना, आधा चम्मच। उसके बाद डालेंगे हम इसमें हींग, हींग डालेंगे भाई, ज़रा सी, इतनी सी हींग भाई डालेंगे। हींग डालने के बाद इसमें कटे हुए हरे मिर्चा, 2 फटे हुए मिर्चा, फिर तेज पत्ता, ठीक है। तेज पत्ता के बाद हम इसमें डालेंगे थोड़ी सी कसूरी मेथी टेस्ट के लिए। अब देखो ये चीज़ जैसे हो गई है, ये हो गई है। अब इसमें डालेंगे हम ये प्याज, ये प्याज, और इसको लाल करना है। इसके बाद हम डालेंगे मसाले, हमने डाल दिया था, इसको तलाना है। तो भाई, हमारा प्याज अब हो गया है। वैसे 2 तरीके होते हैं, प्याज के साथ भी मसाला डाल देना। तो मसाले के साथ जो प्याज डालते हैं तो प्याज सही से पकता नहीं, तो हम पहले प्याज पका लेते हैं, प्याज ही पहले पका लेना चाहिए। तो मेरा प्याज पक गया है, थोड़ा बचा पक गया है, और इसको पकाना है 2 से 3 मिनट।
या 5 मिनट पका लो, जितना आप पकाओगे उतनी सब्जी अच्छी बनेगी आपकी। तो प्याज हमारा पक गया है, अब हम इसमें मसाले डालेंगे। तो मसाले में हम पहले डालेंगे नमक, हम इसमें डालते हैं नमक 7 अनुसार डालते हैं भाई, और हम इसमें 2 चम्मच डालेंगे, 2 से 2.5 चम्मच, हमें पता है कितना हम खाते हैं। और इसमें डालेंगे थोड़ा सा 1/2 चम्मच गरम मसाला, और तीखा ज़्यादा नहीं खाते हैं लोग, तो इसमें डालेंगे हम 1/2 चम्मच, आधा बचा लिया भाई, क्योंकि ज़्यादा तीखा नहीं है। अभी हरी मिर्चें भी डाले थे, 2 चम्मच डालेंगे धनिया, 1 चम्मच डाल दिए धनिया, तो ज़्यादा पड़ जाती है, 2.5 चम्मच धनिया में डाल दिए, और थोड़ी सी हल्दी, ज़्यादा नहीं, 1/2 चम्मच मान लो बराबर वाला, मतलब पूरा भर के नहीं, सिर्फ बराबर इतना इतना आप हल्दी का चम्मच डाल सकते हैं। ज़्यादा हल्दी डालने से तैयार रखना, तो मैंने इसमें मसाले डाल दिए हैं, अब इसको चलाना है सबसे, और मसाले डालने के बाद इसमें पड़ेगा पानी, थोड़ा सा पानी डाल दो ताकि मसाले भर जाए बराबर। देखो मसाले सारे धुल गए हैं, अब इसको बस 2 मिनट तक, दो से तीन मिनट या 5 मिनट मसाले पका लो, उसके बाद इसमें सारा आइटम डाल देंगे सब्जी वगैरह। तो भाई मेरा मसाला अब शायद पक चुका है, क्योंकि हमने इसको 2-3 मिनट बस पकाया है, 5 मिनट नहीं पकाया है, मसाला पक चुका है। इसमें हम डालेंगे टमाटर, तो हम इसमें डालेंगे टमाटर जो हमने काटे थे। टमाटर डालने के बाद इसको चला देना, चलाने के बाद इसको 2 मिनट को ढक देना, क्योंकि ये टमाटर तो हम थोड़े पक जाएंगे, इसके बाद सारी सब्जी डाल देंगे। तो भाई हमारे टमाटर पक चुके हैं, अब इसमें डालेंगे हम सारी सब्जी। सब्जी में डालेंगे पहले आलू, डाल दिए मैंने, उसके बाद डालेंगे टमाटर, टमाटर डाल चुके भाई, ये मटर, सॉरी भाई मटर डालेंगे, तो मैंने ये डाल दिया है, अब मैं डालूँगा पत्ता गोभी, इसके बाद मैं चलाऊँगा। भाई ये छोटी बड़ी होती है वो भी पिचक जाएगा भाई, तो मैंने यहाँ पे सब्जी चला दी है, अब इसको ढकना है 5 से 10 मिनट। अब बस ढकने के बाद धीमी गैस, इतनी धीमी कर दो कि धीरे धीरे पकती रहे, 10 मिनट बाद बीच में चलाते रहना, ऐसा नहीं कि 10 मिनट के लिए रख दिया, बीच में चलाते रहना। पत्ता गोभी की सब्जी अब बन चुकी है, तो हम अभी प्लेट में नहीं निकालेंगे क्योंकि हमें अभी खाना नहीं है, बन चुकी है भाई, ये देख रहे हो, मतलब बेहतरीन सब्जी बनी है भाई, थोड़ी लग भी गई थी यार, बीच में चलाना चाहिए था, हम भूल गए थे, पर हमने चला दिए, बीच में चला दिया करो भाई, रखना। और ये भाई सब्जी बन चुकी है मेरी। तो भाई राधे कृष्णा, मेरी सब्जी बन चुकी है, अब बताना कैसी मतलब वीडियो बनी। तो ये वीडियो मतलब सब्जी की थी, पत्ता गोभी, बढ़िया भाई सब्जी बनी है, खा के बताएंगे। वैसे चेक किया मैंने, बेहतरीन सब्जी भाई। ठीक है भाई, चलते हैं राधे कृष्णा, जय हिंद जय भारत, ऐसी हम वीडियो सब्जी वाली और लाते रहेंगे। ओके राधे कृष्णा, जय हिंद जय भारत, फिर मुलाकात।